आज का जो वीडियो है ये है बिगनर्स के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीडीएफ के बारे में। ये देखेंगे कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक पीडीएफ अपने आईफोन पे, उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, दो पीडीएफ्स को मर्ज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको एनोटेट। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आईफोन्स पे अगर आपको पीडीएफ क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। आप क्रिएट कर सकते हैं एक पीडीएफ फाइल किसी एक वर्ड फाइल से या पेजेस फाइल से या किसी वेबसाइट से कंप्लीटली फ्री। तो यहां पे मैं इस वेबसाइट पे हूं और अगर मुझे क्रिएट करना है इससे एक पीडीएफ तो उसके लिए मुझे प्रेस करना है इस शेयर बटन पे। इसके बाद मुझे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है प्रिंट। इस पे हम करेंगे प्रेस। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है, ना ही हम इन पेजेस को प्रिंट करने वाले हैं। आपको यूज़ करना है अपना इंडेक्स फिंगर और अपना थंब, और नीचे आपको दिख जाएगा इसका प्रीव्यू, वहाँ पर जाके आपको इस तरीके से पिंच आउट करना है। तो यहाँ पर जाएंगे हम इस प्रीव्यू पे और उसके बाद पिंच आउट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है एक तरीके का पीडीएफ बन चुका है। आप स्क्रॉल कर सकते हैं इसके अलग अलग पेजेस में इस तरीके से, और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है इस शेयर बटन पे, और आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा जिसका नाम है सेव टू फाइल का। इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद चूज़ करना है आई क्लाउड ड्राइव, और यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है पीडीएफ। इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब आपने पीडीएफ तो क्रिएट कर लिया है, अब आपको देखना है कि आप आईफोन पे पीडीएफ्स को पढ़ कैसे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है फाइल्स ऐप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरे दो फोल्डर्स हैं, एक है पीडीएफ और दूसरा है अपलोड। मैं क्लिक कर रहा हूँ पीडीएफ वाले फोल्डर पे, और यहाँ पे जो पीडीएफ हमने अभी अभी क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, और इस तरीके से स्क्रोल करके इस पीडीएफ को बड़ी ही आसानी से पढ़ भी सकता हूँ। अब देखते हैं कि आप कैसे मर्ज कर सकते हैं दो फाइल्स को और एक नया पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल्स के ऐप में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हैं, दोनों ही पीडीएफ फाइल्स हैं, और हमें इन्हें मर्ज करना है। इसके लिए हमें प्रेस करना है इन तीन डॉट्स पे, और उसके बाद चूज करना है ऑप्शन सेलेक्ट का, और उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है इन दोनों फाइल्स को। इसके बाद नीचे आना है और क्लिक करना है इन तीन डॉट्स पे, और यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन आता है जिसका नाम है क्रिएट पीडीएफ का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया पीडीएफ फाइल बन गया है इन दोनों फाइल्स को मर्ज करके। ऐसे ही आप बड़ी आसानी से किसी भी पीडीएफ फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा जाना है फाइल्स के ऐप में और ओपन करना है उस पीडीएफ फाइल को जिसे आपको स्प्लिट करना है। इसके बाद प्रेस करना है इस शेयर बटन पे और चूज करना है ऑप्शन प्रिंट का। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है रेंज। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज जिस हिसाब से आप स्प्लिट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को। इसका एक और ऑप्शन है, इसके लिए आप आ सकते हैं नीचे यहाँ पे प्रीव्यू वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप इंडिविजुअली चूज कर सकते हैं उन पेजेस को जिसे आपको स्प्लिट करना है। इसके बाद आपको प्रेस करना है प्रिंट वाले बटन पे, और यहाँ पे चूज करना है ऑप्शन सेव टू फाइल्स का, और इसको आप सेव कर सकते हैं अपने फाइल्स के ऐप में। अब देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं एनोटेट या ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट या शेप्स अपने पीडीएफ फाइल में। तो यहाँ पे मेरे पास ये पीडीएफ फाइल ओपन है, और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन आपको दिखेगा, इस पर आपको करना है प्रेस, और यहाँ पे आपके पास कुछ नए टूल्स आ जाते हैं जिसको चूज करके आप इस तरीके से एनोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को मार्कअप कर सकते हैं और किसी एक हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक प्लस का बटन भी है जिस पर प्रेस करके आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं एक टेक्स्ट, आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैग्नीफायर का बटन भी है जिस पर प्रेस करके आप एक हिस्से को इस तरीके से मैग्नीफाई कर सकते हैं अपने पीडीएफ फाइल में। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।